सारे कंटेंट ही कंटेंट चाहिए। वन टू और थोड़ा ऊपर कर दे, थोड़ा ऊपर कर दे। हाँ भाई रेडी है उड़ने के लिए। हाँ भाई सुनो मेरी बात, सीन ऐसा हुआ है कि स्टॉप करना था बस को, स्टॉप किया नहीं, ठीक है। और ओ माय गॉड नजारे आगे के नजारे है ना, रुको। हाय गाइस दिस इज अनीश, यू आर वाचिंग द फिट वांडरर। गुड मॉर्निंग, और अभी हम लोग हैं कॉलोनी स्टेशन, एज यू कैन सी। सो हम लोग जा रहे हैं, फाइनली मेरा ट्रिप हो रहा है ये। वी आर गोइंग टू द हाउस एंड कॉलेज का ट्रिप हो रहा है ये। सो बहुत पब्लिक है एंड मेरे साथ कोई और भी है जो बाद में बोलूँगा कि कैसा क्या हुआ प्लान। कल का भी एक प्लान है जो मैं बाद में बोलूँगा क्या है। कल का एक सरप्राइज़ है, आज सैटरडे है, कल संडे का एक सरप्राइज़ है, वो बाद में बोलूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं टू हाउथ। मौसम तो बहुत बढ़िया है, सनी, प्योर सनी, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं बॉम्बे में हूँ फिलहाल, ठीक है। पूरी धूप आ रही है तो मज़ा आएगा। चलो तो फिर ट्रेन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप ये एंजॉय कर लेना। भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं हाउथ स्टेशन। एंड यहां से कितना है भाई हाउथ, मतलब स्टेशन से कितना दूर है यहां? वी विल वॉक 10 मिनट्स एंड देन द ट्रैक स्टार्ट्स। ट्रैक स्टार्ट्स, ओके। धूप बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए स्पेक्स पहने। इतनी धूप की आदत नहीं है यहां पे लोगों को, तो देखते हैं, एंजॉय करेंगे। और भाई साहब उमेश, हाय गाइस, बताओ भाई क्या होने वाला है हाउथ में? So guys, we gonna head off to the Hoth Harbour. Then we will be roaming around. Then we'll take a bus and go to the cliff walk. So ye cliff walk, maine suna hai ki easy, medium. It's a bit medium, not hard, not easy, but we will have a fun. Fun. It's a, you know, it's like a mountain and beach area. So, बहुत सही है इसका व्यू, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, मेरा पहली बार है, तो मज़ा आने वाला है। एंड
कॉलेज का भाई मतलब ऐसा झुंड आया पूरा, तो और मज़ा आएगा ठीक है। एंड पीछे भी भाई पीछे भी आए लोग बहुत सारे लोग आए, सो मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग एक सी पॉइंट पे खड़े एंड पे ठीक है। ये पत्थर देखे ना सब मुझे बैंड स्टैंड की याद आ गई, मतलब बांद्रा की बैंड स्टैंड की याद आ गई वैसे दिख रहे। ओके सो अभी ड्रोन है बाजू में मेरे साथ, द ड्रोन मैन लाइक आई कॉल इन द ड्रोन मैन ध्रुव मेरे साथ है। तो अभी भाई साहब ड्रोन उड़ाएंगे और बहुत ही बढ़िया व्यू आने वाला है, तो ये व्यू आप ज़रूर इन्जॉय कर लें। ये था ड्रोन शॉट जो आपने अभी देखा, बहुत ही बढ़िया था। ये सिर्फ इनकी बदौलत है ठीक है। इनको मैं कहता हूँ द ड्रोन मैन, बहुत ही बढ़िया शॉट लिए बंदे ने। और ड्रोन तो अभी चल रहा है, अभी तो अलग फुटेज आ रहा है, ये भी कर रहा हूँ और दूसरा भी फुटेज आ रहा है, तो ये भी इन्जॉय कर लेना ठीक है। अभी हम जा रहे हैं प्रॉपर हाउस ट्रैक के लिए, तो मिलता हूँ मैं ऊपर ठीक है। तब तक के लिए एन्जॉय। सुनो मेरी बात, सीन ऐसा हुआ है कि स्टॉप करना था बस को, स्टॉप किया नहीं ठीक है। और ओ माय गॉड नजारे आगे के नजारे है ना, रुको नीचे आ गया ना भाई सब उतरते ठीक है। जो व्यू है ना आगे का, ड्रोन उड़ रहा है वहां पे, तो वो भी व्यू दिखाएंगे और यहाँ से भी व्यू दिखाऊंगा। सामने एक लाइट हाउस है जो आई गेस 15th सेंचुरी में बना है, सो दिस इज़ द प्रॉपर हाउस ठीक है। यहाँ पे बहुत क्लिफ फॉक्स है जैसे इजी मीडियम हार्ड ठीक है, और यही है। तो हम फिलहाल इजी मीडियम के आसपास वाला क्लिफ फॉक कर रहे हैं। एंड स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस इज की दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यू नो क्लिफ वॉक डेस्टिनेशन इन आयरलैंड। अगर आप डबलिन में हो और मौसम बहुत बढ़िया रहेगा ना,
तो आ जाओ हाउथ और एक्सपीरियंस करो इस नेचर को. सामने समुंदर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है. एंड आ रहा क्या हमारी पार्टी कहाँ गई? आगे गई है. Guys are enjoying this view. धूप बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक ओवर एक्सपोज है, ठीक है, ये आदत नहीं है लेकिन मज़े आ रहे हैं. दिस इज वॉट हाउ दिस मतलब बहुत अलग अलग क्लिफ्स है. ये तो हम लोग शायद से एक ही क्लिफ पकड़े हैं, ठीक है. एंड जो ये व्यू है ना जो आप अभी देखेंगे, मतलब आओ बैठो चिल करो और लाइक हैविंग अ पीसफुल माइंड यहाँ पे, यू नो. एकदम नीचे लाइक टू द बीच, ऊपर है पहाड़, वहाँ से हम पूरा क्लिफ वॉक करके नीचे आए. एंड दिस इज द बीच एंड चिल्ड आउट सेशन चल रहा है यहाँ पे. एंड यही अभी ड्रोन उड़ाएंगे, इसकी फुटेज अलग. एंड कॉलेज के लोग पानी में अलग मज़े ले रहे हैं, ठीक है, यही है, बहुत सही है यार. This is what it is. So if you are in Dublin, welcome to Howth and welcome to Ireland.
पीछे जो नज़ारे, मतलब हाय मतलब शिप्स जा रही है, यार्ड्स जा रही है, सामने ग्रीनरी और पीछे ओशन है, और भाई साहब मतलब जो दिख रहा है ना नज़ारा, हाय हाय हाय, मतलब दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्लिफ वॉक विद द व्यू, क्योंकि आज था सनी डे, ठीक है। एंड जो आँखों वाली नज़ारे थे ना, वो पता नहीं है कैमरे में कैप्चर हुई है उस तरीके से कि पता नहीं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, दिस इज़ इट, एंड बहुत मज़े आए। आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस व्लॉग, तो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड यहाँ पे मेरे पिछले व्लॉग्स के लिंक्स है, तो टैप कर ले, देख लेना, एन्जॉय, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। दिस इज़ द फिट वॉन्डरर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गुड बाय।